हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल कॉमिक्स टॉक विद विजय में। मैं हूं आपका दोस्त विजय कुमार और हम यहां करते हैं कॉमिक्स से रिलेटेड ढेर सारी बातें। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं राज कॉमिक्स के फेमस सुपर हीरो पंचभूत महाशक्तिधारक प्रचंडा के बारे में। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट की, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि कोई भी नई वीडियो आपसे मिस ना हो। और साथ ही साथ कॉमिक्स रिलेटेड और भी कई सारी वीडियो हमने अपने चैनल में अपलोड करके रखी हुई हैं, अगर आपने वो ना देखी हो तो उसके लिंक्स हमने डिस्क्रिप्शन में डाल रखी हैं, वो वीडियो जरूर देखें और देखकर बताएं कि वीडियो कैसी बनी हुई है। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सुपर हीरो कॉन्सेप्ट के लिए ज़रूरी है आम इंसानों से अलग एक महामानव शख्सियत, जो कि हमारे इंडियन माइथोलॉजी में एक से एक भरी पड़ी हुई है। हमारी इंडियन माइथोलॉजी में कई ऐसी कहानियां हैं जिसमें आम इंसानों से अलग किसी इंसान की शख्सियत को दिखाया गया है। राज कॉमिक्स में प्रचंडा की शुरुआत एक ऐसे ही माइथोलॉजी कैरेक्टर के रूप में हुई। राज कॉमिक्स में प्रचंडा की पहली कॉमिक्स थी मई 1994 में प्रकाशित इशू नंबर 513 प्रचंडा कॉमिक, जिसके लेखक थे टीका राम सिप्पी, आर्ट डायरेक्शन था प्रताप मलिक जी का और चित्रांकन किया था मिलिंद मिसाल व प्रवीण जी ने। कहानी की शुरुआत में बताया जाता है राक्षस नगरी अंटा गुड़गुड़ के राक्षस राज अंजर पंजर शिकार पर निकले हुए हैं। उनकी पत्नी महारानी चटोरी जमान को मानव मांस का बड़ा शौक है, उसी की फरमाइश पर अंजर पंजर मानव शिकार की खोज में है। दूसरी तरफ महर्षि साहब देव साल भर में एक बार अपनी गुफा से साधना पूरी करके निकलते थे। उनका मानना था कि किसी को श्राप देकर ही उनकी साधना की शक्ति उन्हें पता चल पाती थी। इस तरह महर्षि साहब देव और राजा अंजर पंजर दोनों का आमना सामना होता है, जिसके बाद राजा अंजर पंजर महर्षि श्राप देव का शिकार तो नहीं कर पाते, उल्टा उसके साथ ही उनके श्राप के कारण उनके अंजर पंजर ढीले पड़ जाते हैं। अब इस श्राप से बचने का एक ही तोड़ निकलता है, वह है मानव अर्क यानी कि मानव का जूस। तो इसके बाद चटोरी जवान अपने भाई राक्षस अंटा बंटा को इसकी व्यवस्था पर लगाती हैं, जिसका पहला शिकार बनती है पड़ोसी राज्य घोड़ा नगर और पछाड़पुरी। अब राक्षस अंटा बंटा मानव तो ले आता है पर इसके अर्क यानी जूस कैसे बनाया जाए ये समस्या आती है। अब महादैत्य दातिल की प्रसन्नता के लिए यज्ञ किया जाता है। इसमें सबसे पहले राजा अंजर पंजर अपने टूटे हुए दांत चढ़ाता है। इधर अंटा बंटा फिर से घोड़ा नगर और पछाड़पुरी की सीमा पर पहुंचता है और वहां के दोनों राजा ढीठ कुमार और ढिल्लर से उसका सामना होता है। अंटा बंटा के वार से दोनों महर्षि सापदेव की गुफा से बाहर गिरते हैं। दोनों उन्हें अपनी समस्या बताते हैं तो महर्षि भगवान शिव के पास उन्हें भेज देते हैं। इधर महादैत्य दांतले को 101 मानव दांत की बलि पूरी होते ही वह प्रकट होते हैं और अंजर पंजर को रस काढ़ू नामक यंत्र देते हैं जिससे कि वह मानव जूस बना पाए। जरा सोचिए आजकल जूस कितनी आसानी से मिल जाता है, पहले लोगों को इसके लिए पापड़ बेलने पड़ते थे। इधर कैलाश पर्वत पर महादेव के सामने दोनों राजा के पहले ही पृथ्वी माता पवन जल आकाश अग्नि देवता अपनी समस्या बता रहे होते हैं। फिर दोनों राजा की बारी भी आती है, भगवान शिव शंकर सबको अपने तत्वों से एक महाशक्ति की शक्ति का निर्माण करने को बोलते हैं। इस प्रकार माता पृथ्वी ने बनाया अपनी मिट्टी से धड़, आकाश ने सर, जल ने दिए पांव, अग्नि के अंश से बने हाथ और पवन देव ने उस शरीर में सांसें प्रदान की। अब इन पांचों शक्तियों के अंश से जिस प्रचंड महाशक्ति का निर्माण हुआ वह कहलाया प्रचंडा। चलो फाइनली कुछ तो अच्छा नाम सुनने को मिला, इतनी देर से पता नहीं क्या क्या अजीब नाम सुनने को मिले थे। यहाँ पर प्रचंडा की पहली कॉमिक से कहानी ख़त्म होती है। अगली कॉमिक चटोरी इशू नंबर 522 में इसकी कहानी आगे बढ़ती है। अंटा बंटा द्वारा मानव लाकर उसका रस काठों से जूस निकाला जाता है। रोज़ सैकड़ों निरपराध सैकड़ों मानवों का अंत होता है, इससे भयभीत दोनों राज्य के नागरिक अपना घर बार छोड़कर भागते हैं। भूतपूर्व राजा ढक्का वहां पर पहुंचता है और कोई मनुष्य ना देखकर हैरान होता है। अंटा बंटा से सामना होने पर उसे पूरी बात पता चलती है। इसी समय वहां पर प्रचंडा पहुंचता है। अंटा बंटा और प्रचंडा के युद्ध में अंटा बंटा पराजित होकर वापस अपने महल पहुंचता है। वहां पर अंजर पंजर को पूरी बात बताता है, जिस पर अंजर पंजर अपने भाई जल्लादू को बुलाता है। प्रचंडा वहां पहुंचता है और भारी एक्शन के बाद जल्लादू अंटा बंटा और फिर आखिरी में अंजर पंजर का खात्मा करता है। कॉमिक्स का पोर्ट हमेशा ही इसमें गंभीर तो रहा ही है, लेकिन कॉमिक्स में कई बार दिए गए अजीब नामों के कारण इस कॉमिक्स में ज़्यादातर कॉमेडी ही पता चलती है। इसके बाद की कई कॉमिक्स तो गंभीर ही बताई गई थी। दैवी शक्तियों से भरपूर प्रचंडा 100% राज कॉमिक्स का एक ओरिजिनल किरदार है, ठीक जैसे तिलिस्मदेव और गोजो हैं। यह किरदार भी ना तो कभी किसी से इंस्पायर लगा और ना ही कॉपी। हाँ, दैवी शक्तियाँ यानी इंडियन माइथोलॉजी से इंस्पायर ये पूरी तरह है।
प्रचंडा के मात्र 9 कॉमिक से प्रकाशित हुई थी। शंखा इशू नंबर 610 जून 1995 में प्रचंडा की लास्ट कॉमिक्स थी। फिर 2013 से शुरू हुई सर्वनायक सीरीज में प्रचंडा फिर से दिखाया गया, जिसमें उसका सामना होता है वंडरमैन परमाणु से। यहाँ पर उसकी माँ के बारे में बताया जाता है सर्वनायक सीरीज की सर्व संग्राम कॉमिक्स में। उसमें बताया जाता है कि उसकी माँ उसे जन्म देकर गंगा में बहा दी थी। वह माटी का पुतला ना होकर एक मानव ही है। इस संक्षिप्त जानकारी के अलावा और कोई जानकारी कॉमिक्स में नहीं दिखाई दी। उम्मीद यह कर सकते हैं कि आगे सर्वनायक की सीरीज में हमें प्रचंडा को और देख सकें। तो दोस्तों, यह थी एक छोटी सी वीडियो प्रचंडा के बारे में। राज कॉमिक्स के कई गुमनाम किरदारों में से एक किरदार यह भी है जो कि समय के साथ हमें पूरी तरह से दिखाई नहीं दिया। आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो जरा से भी पसंद आता है तो इसे लाइक ज़रूर करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी ये जानकारी मिल सके। साथ ही साथ कॉमिक्स से रिलेटेड और भी कई सारी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि कोई भी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। और ही इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी फैक्ट या कोई सजेशन अगर आपके पास हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही साथ ये सीरीज अगर आपको कैसी लगती है इस बारे में भी आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। जाते जाते आपको ये बता चले कि अगली वीडियो है अश्व सम्राट अश्वराज के बारे में। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।